Dr. Subhash Bhosle, Bharat is going to become Vishwa Guru, there is no doubt about it. But the worry is, nowadays Hindu is become enemy of Hindus. Can this situation be overcome? ये आपने लिखा है, ये प्रश्न में पूछा है, हिंदू है बिकम एनिमी ऑफ हिंदू कम्युनिटी, मतलब बीजेपी, हिंदू कम्युनिटी मतलब बीजेपी नहीं है, इसको पहले हम ध्यान दें। भाजपा का विरोध करने मतलब हिंदू का विरोध है, ऐसा नहीं मानना चाहिए। और अब राजनीतिक लड़ाई चलती रहती है, उसको इसके साथ जोड़ के नहीं देखना चाहिए। हाँ, हिंदू हिंदू का शत्रु बनता है, ऐसे उदाहरण है अपने यहां पर, वो आज के नहीं। इसका एक ही कारण है कि हिंदुत्व का विस्मरण, यही उसका कारण है विरोध करने का, और कोई कारण नहीं। फिर जाति भी, एक जाति के लोग भी आपस में विरोध करते हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज को विरोध करने वाले उन्हीं के कुल के, उनके ही परिवार के लोग थे ना, नहीं थे ऐसा थोड़ी है। राणा प्रताप को विरोध करने वाले वही के राजपूत थे ना। तो जिन्होंने इस प्रकार के सारे भ्रम निर्माण हुए और स्वार्थ केंद्रित हो गए, वो स्वार्थ केंद्रित लोग ही ऐसे इस मार्ग पर चलने वालों को विरोध करते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि इनको विरोध करने में ही हमारा स्वार्थ है। ऐसे लोगों को पूछिए, आप हिंदू नहीं हो क्या? देखिए, हम पूजा पाठ करते हैं, पर आपका हिंदू तो खराब है, कैसे तय करते हैं? लोग कहते हैं इसकी विवेकानंद का हिंदुत्व अच्छा है, सावरकर जी का नहीं है। क्या आपके इसके क्या आधार क्या है? सावरकर का हिंदुत्व क्या है और विवेकानंद का क्या है? बंगाल में जब कम्युनिस्ट शासन था, या आज भी शासन है, वो अपने आप को हिंदू विरोधी मानता है, पर सारे दुर्गा पूजा के पंडाल के प्रमुख बनते हैं। अगर आप देवताओं को नहीं मानते हो, हिंदू नहीं मानते हो, तो आपके दुर्गा पूजा के पंडाल के उस समिति के प्रमुख क्यों बनते हो? केरल में कम्युनिस्टों का साम्राज्य है, देवस्वम बोर्ड बनेगा तो देवस्वम बोर्ड का अध्यक्ष कहना चाहिए हम देव कम्युनिज्म के, कम्युनिस्ट पार्टी के लोग हैं, हम देवता वगैरह नहीं मानते, जिसको बनाना है उसको बनाओ। नहीं, वहां पर कट्टर कम्युनिस्ट भी उस देवस्वम बोर्ड के अध्यक्ष बनने की स्पर्धा में आते हैं। तो क्या है? तो हिंदुत्व का विरोध करना यह भी पॉलिटिकल, हिंदुत्व को समर्थन करना यह भी कभी कभी पॉलिटिकल होता है। मैं समझता हूं कि हिंदुत्व, हिंदू समाज इससे ऊपर उठना चाहिए, वो राजनीति से ऊपर उठेगा। ये सारे हिंदू हिंदू का विरोध है, वो केवल राजनीतिक कारणों से हुआ है, ऐसा मान के चलते हैं, अनुभव भी ऐसा बताता है। रविंद्र टांगरी वास्को प्रसाद बाबू, एक मिनट, इसका भारत विश्व गुरु बनने से कोई संबंध नहीं है। भारत का विश्व गुरु बनना ये राजनीतिक लोगों पर निर्भर नहीं है, ये तो भारत की जो सुप्त शक्ति है उस पर निर्भर करता है। राजनीतिक झगड़े होते रहेंगे, उसके कारण विश्वगुरु बनने में कोई बाधा नहीं आएगी।